अमूमन देखने को मिलता है कि लोग पीएम मोदी पर किसी न किसी मामले को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन फतेहपुर में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करना एक सपा नेता को भारी पड़ गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी मामले में समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। प्रशासन ने उनकी 20 करोड़ की बिल्डिंग को बुलडोजर से ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया गया। सपा नेता की टिप्पणी से नाराज भाजपा नेताओं ने अब सपा नेता के काले कारनामों की जांच की मांग की है। पूरा मामला सदर कोतवाली के बाकरगंज का है, जहां मंगलवार को सपा नेता हाजी रजा के शहर के पोश इलाके में बने कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सपा नेता पर इस कॉम्प्लेक्स के नक्शे में छेड़खानी सहित तमाम मानकों से खिलवाड़ करने का आरोप है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ये बिल्डिंग 20 करोड़ की बताई जा रही है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और भारी पुलिस बल के बीच इस इमारत को ढहा दिया गया। ये कॉम्प्लेक्स बिना नक्शा पास हुए बनाया जा रहा था। डीएम की जांच में ये बात सामने आई कि ये 5 मंजिला इमारत बिना नक्शे के बनाई जा रही थी। वहीं सपा नेता द्वारा प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खासी नाराजगी देखी जा रही है। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री से काले कारनामों की फाइल को भेजकर जांच की मांग की है। वहीं सपा नेता पर बुलडोजर की कार्यवाही के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार नरेश उत्तम पटेल की जीत के बाद हाजी रजा ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी नेता ने हाजी रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं सपा नेता पर इसके अलावा नगर पालिका में भ्रष्टाचार और कई आपराधिक मामलों की शिकायतें हुई हैं। वहीं बीजेपी ने इन तमाम मामलों की SIT जांच की मांग भी की है। बहरहाल देखना यह होगा कि अब सपा नेता आगे क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर, हिंदी।